लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का क्या तात्पर्य और ये इकट्ठा होकर ये कहाँ तक पैदल मार्च करेंगे? मैडम आपका नाम? मेरा नाम रेखा चौधरी, सनातन हिंदू वाहिनी की जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद की। मैडम आपके यहाँ आने का क्या तात्पर्य, आप राजघाट पर आए हैं तो क्या मतलब यहाँ आने का? जो मेन तात्पर्य है वो है रोंगड़िया जो मुसलमान है वो हमारे देश में, यानी बाहर के, हमें यहाँ के मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर से मुसलमान यहाँ पे आ रहे हैं एक तरह का, ये हमें तो पता है नहीं कि आतंकवाद है या नहीं है, लेकिन जितना भी बाहर का आदमी है हम नहीं चाहते कि मुसलमान बाहर से यहाँ रोंगड़िया यहाँ पे आए। हमारा जो आज का विरोध प्रदर्शन है वो महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी के सानिध्य में है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम यहाँ यानी ये राजघाट है, राजघाट से और रामलीला मैदान तक हमारा पैदल मार्च है। एक विरोध है कि भाई ये यहाँ पे नहीं आने चाहिए। क्या नाम बताया आपने? रेखा चौधरी। रेखा चौधरी जी, आप ये बताइए कि अगर किसी पे इस तरीके अत्याचार होता है तो अपनी जान बचाने के लिए उधर वो शरण मांगता है, तो शरण लेने के लिए अगर वो यहाँ आ गए तो इतनी बड़ी ऐसी बात क्या हो गई कि उनको आतंकवादी? उसका मैं जवाब दूंगी आपको कि इतनी बड़ी बात क्या होगी। कम से कम इतने देश हैं आसपास, और भी देश हैं, एक भारत ही तो नहीं है कि शरण भारत में ही ली जा। शरण लेने के लिए तो उनके आसपास वो 100 किलोमीटर भारत अगर चल के आते हैं तो बाहर भी तो जा सकते हैं, उनके जो आसपास का एरिया हो वहाँ पे चले जाओ। शरण जो अगर लेनी है उन्हें तो वो वहाँ जा सकते हैं। हमारा ही देश है, कोई भी आवे शरण ले ले और चला जा। सराय तो नहीं है ना हमारा देश, भारत सबके लिए तो नहीं है ना। अगर हम कहीं बाहर जाते तो हमारे से वीजा मांगा जाता है, हम बिना वीजे के बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर के लोग हमारे यहाँ कैसे आ सकते हैं आप ये बताइए। जब ये बाहर से यहाँ लोग आए तो यहाँ कहीं कहीं ना किसी का तो हाथ है। जब बॉर्डर पार करके आते हैं, सपोज करो आप अपने घर से निकल के आए तो आपने बच्चों से परमिशन ली, आपने अपने हस्बैंड से परमिशन ली और पूरे परिवार से परमिशन ली, तो आपको परमिशन किसी सोच समझ के दी होगी ना? तो ये परमिशन उन्हें सरकार ने तो नहीं दी ना, कम से कम जो वहाँ के लोग हैं, जो बॉर्डर पर लोग हैं, हो सकता है उनमें कोई गद्दार हो, ये तो नहीं कह सकते हम, या वो रास्ता ऐसा हो कि वहाँ तक वो निकल के आ सकते हो। दो चीज़ें ही, मतलब मेरे अंदाजे तो दो चीज़ें हैं कि या तो वो चोरी थे क्रॉस करके आ रहे हैं, या फिर किसी की सपोर्ट है करके आएंगे ना। या किसी की सपोर्ट है, दो बात है, बिना सपोर्ट के तो आ ही नहीं सकते, ये भी सच बात। चोरी से 1,000, 2,000, 3,000, लेकिन माना जा रहा है कि 40,000 और 50,000 की लपेट में बताने के इतने लोग यहाँ आ चुके हैं, तो वो एकदम इकट्ठे थोड़ी ना आए हैं, वो तो थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, कभी 10 आ गए तो कभी 20 आ गए, पता चल नहीं रहा। और उसमें सपोर्ट हमारे यहाँ के लोग, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, दोनों ही लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई सपोर्ट करे उन्हें, ये हमारी सोच है कि उन्हें कोई सपोर्ट ना करे। हमारे देश में पहले ही टेंशनें कम नहीं है, ठीक है, और हम नहीं चाहते भैया। वो रोंगड़िया मुसलमानों के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ कि भाई हाँ, कि अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो हमें तो, हम नहीं चाहते कि हम उन्हें शरण दें अपने भारत में, ये जरूरी तो नहीं है कि भारत में शरण दी जाए उन्हें। और देश है ना, आप ये देखिए उसके आसपास कितने देश हैं, वो उस देश में भी तो जा सकते हैं, कोई भारत ही थोड़ा है कि एक भारत में यहाँ के वो रहेंगे। हमारा किसी मुसलमान के ऐसे बोलने का खिलाफ वो नहीं है, लेकिन अगर रोंगड़िया मुसलमान भारत में आता है तो भाई हम ये, अभी तो ये विरोध है, हम और भी विरोध करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो।